सब प्रकार से रक्षा करता है,
लिख लो सर्वेक्षक के अर्थ कितने बता दिए पद्मनाभ जी, लिखिए। जब लिखाए पढ़ाए इधर ध्यान, कौन क्या करता है वो सब छोड़ो। ईश्वर सबकी रक्षा करता है, सदा रक्षा करता है, सर्वत्र रक्षा करता है, सब प्रकार से रक्षा करता है, और शरीर की रक्षा करता है, स्वास्थ्य की रक्षा करता है, बुद्धि की रक्षा करता है, आत्मा की रक्षा करता है, और पाप से भी रक्षा करता है, रोगों से भी रक्षा करता है। ठीक है ना, ये परमात्मा सर्वरक्षक है। कितने अर्थ हो गए सर्वरक्षक के, और सभी प्राणियों की रक्षा करता है। बड़ी बात तो ये है, यहां तक कि जो पापी है उसकी भी रक्षा करता है एक सीमा तक। ठीक है, क्योंकि उसके लिए हवा पानी बनाकर रखा है, उसके लिए भी हृदय को धड़का रहा है, तो ये सुरक्षा कैसे करता है? हृदय धड़काता है, श्वास प्रश्वास चलाता है, हम सो जाते हैं तो भी श्वास प्रश्वास कौन चलाता है? परमात्मा चलाता है, उसकी व्यवस्था। हम सो जाते हैं और धड़कन हृदय की चालू, ये कौन धड़काता है हृदय को? परमात्मा। अचानक कोई कीड़ा आ जाता है आंख पास में, अपल के बंद जाती है, देखा अपना सहज भाव से शीघ्रता से पलकें एकदम बंद जाती है, या आंखों की रक्षा है कि नहीं है? क्योंकि ये कौन व्यवस्था कराता है? परमात्मा। ये जो भाव है ना, भाव देखिए यहां पर बाल है, इसकी भी क्या आवश्यकता है पता आपको? बताओ। हाँ, पसीना आता है कभी, कोई बाइक चला रहा है बरसात में और बारिश आने पर भी यह सीधा आंख में नहीं आता है, इधर से घूम जाते उधर से, है कि नहीं? सामान्य बारिश हो तो सीधा आंख में नहीं घुसता है, और आंख कैसे बनाए? इधर एक प्रकार से पर्वत, इधर पर्वत, है कि नहीं? और बीच में उसको सेफ्टी, सेफ्टी एरिया में क्या बोलते हैं उसको? सेफ कॉर्नर, हाँ, सेफ जोन, सेफ जोन में आंख को बनाए रखा है। ऐसे जितने मर्मर स्थल है देखो, जो कोमल हिस्से हैं, वो सबको परमात्मा ने सेफ जोन बनाए रखा है, माने कि सुरक्षित बना रखा है। जितने कोमल स्थान हमारे शरीर में, वो माताओं को बहनों का हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे पशु पक्षियों का हो, चाहे कोई भी हो, जितने मर्म स्थान कहलाते हैं वे, तो सबकी विशेष सुरक्षा करता है परमात्मा। ठीक है ना जी? तो परमात्मा किस प्रकार रक्षा करता है? ये ध्यान दिलाया कि भाई उसकी रक्षा कभी क्षीण नहीं होती, तो अनादि काल से अनंत काल तक रक्षा करता रहता है, रक्षा करने वाला है, करते आया है। जैसे बताऊं आपको, मैं गर्भावस्था में ईश्वर विशेष रक्षा करता है, हमें कुछ पता होता है? क्योंकि मां खाना पीना करती है, भोजन करती है, हमको पोषण मिलता है वो गर्भनाल के माध्यम से, तो कैसी व्यवस्था उसकी देखो। हमको वहां पर कोई प्रकाश नहीं मिलता है, नहाने को पानी नहीं, पीने को पानी नहीं, ठीक है ना जी? फिर भी पानी भी प्राप्ति हो रही है, हवा भी मिल रहा है, सब कुछ, कैसी व्यवस्था की परमात्मा ने? तो मां के माध्यम से, और जन्म लेते ही मां का दूध मिल जाता है। जब तक बच्चा का अवतरण नहीं होता है, बच्चे का दूध का निर्माण ही नहीं होता है, ठीक है? जब तक गर्भ में बच्चा नहीं पले और जन्म नहीं हो तो दूध बनता नहीं है, कैसी भी हो सकते हो। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, दूध पीना बंद कर देगा, तो ऑटोमेटिक दूध भी बंद हो जाएगा, और फिर जब नए बच्चे तैयारी होगी फिर दूध बनना फिर शुरू, फिर नए बच्चे के फिर दूध भर जाता है परमात्मा, अमृत रूपी दूध, और दूध भी कभी खत्म नहीं हो, जब तक बच्चा पी रहा है वो पिलाते रहेगी माँ भी,
कई के बच्चे तो 2 साल 3 साल तो दूध पीते रहते हैं और माँ पिलाती रहती है। ठीक है, ये परमात्मा की कैसी व्यवस्था देखो। तो इस प्रकार परमात्मा रक्षा करता है। तो परमात्मा किस प्रकार रक्षा करता है पूरा पूरा हम समझ नहीं सकते, फिर भी सभी प्राणियों की रक्षा करता है, केवल मनुष्यों की नहीं। उदाहरण के लिए ये गिरगिट है, इसकी विशेषता क्या बताओ? गिरगिट क्या बोलते हैं लोग में, ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है, तो उसके रंग बदलने में उसकी सुरक्षा है, उसकी रक्षा है। अगर पेड़ में है हरी हरी पत्तियां फैली हुई हैं, सभी शाखाएं भी हरी हरी हैं, वहां रह रहा है उसका शरीर भी हरा रहता है, और अगर ईंट में रहे लाल लाल ईंट में तो उसका शरीर लाल कलर का बन जाता है, ईंट के कलर बन जाता है कि नहीं। सफेद दीवार में आ जाए तो उसका शरीर सफेद सीमेंट की तरह हो जाएगा, दीवार की तरह हो जाता है। जहां रहता है तो उसके माध्यम से वो शत्रु से बचाव करता है, उसको दूर से पक्षी शत्रु देख नहीं सकते हैं, उसका शरीर छिप जाता है उसे। तो इस प्रकार परमात्मा शक्ति दी है जो शरीर बदल दे, मैं शरीर नहीं दिए कलर बदल दे अपना और रक्षा कर रहे। हिरण को भागने के लिए पतले पतले पैर दिए, तेज भाग तो वो शक्ति दी, लेकिन शेर को पंजे दिए, नुकले दांत दिए, तुम तेरा काम मांस खाना, तो ये सुविधा है, वो भी दंड है। हिरण का अपना दंड है कि तू हिरण क्यों बना, तो उसको शेर मांस कर खाएगा, वो कर्मफल है उसका। अब तू शेर क्यों बना, तो उसको भूख लगने पर भी दौड़ा दौड़ा कर शिकार करना पड़ेगा, तब मिलेगा नहीं, तो तब भूख लगी तो प्लेट मिल जाए, ऐसा नहीं है। बताओ उनका प्लेट थाली दौड़ती रहती, थाली कितना कष्ट है, सामने भोजन है और दौड़ती रहती है कि नहीं है। उनका तो भोजन है भाई, चिपकी ली थी, वो कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं, और वो कीड़े कभी यहाँ यहाँ घूमते रहते हैं, वो भी वहां घूमते रहते बेचारे, तो कीड़े का भी तकलीफ उसका भी तकलीफ, कब पता नहीं कब आक्रमण करते छिपकी, ये सब कर्म फल है, लेकिन इसी से उनकी रक्षा भी है। ठीक है ना जी, इनकी परमात्मा रक्षण शक्ति इसी में है, इनके माध्यम से हमारी रक्षा करता है परमात्मा, इनके माध्यम से। तो परमात्मा किस प्रकार से किसकी रक्षा करता है हम पूरा पूरा नहीं समझ सकते, और लोग उल्टा अर्थ कर देते हैं, कुछ घटना घट जाएगी, देखो परमात्मा ने बता दिया। ये परमात्मा सीधा तलवार प्रकार के पकड़ करके राक्षस को शत्रु को मारेगा नहीं, इस पर रक्षा नहीं करेगा, वो रक्षा करता है साहस दे करके, वो रक्षा करता है आत्मबल दे करके, शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल दे करके रक्षा करता है। ठीक है, वो रक्षा है रक्षा करता है सहन शक्ति दे करके, वो रक्षा करता है धैर्य दे करके, बुद्धि दे करके, ज्ञान दे करके वो रक्षा करता है, पराक्रम दे करके, ओज वीर दे करके रक्षा करता है परमात्मा। तो उसकी रक्षण शक्तियां विशेष है, ये सूर्य चंद्र बनाकर रक्षा करता है, जल अग्नि वायु आकाश इनको बना करके रक्षा करता है, अनेक प्रकार के औषधियां वनस्पतियां बना करके रक्षा करता है। ये जंगली पशु नहीं होते हैं, इनको पता होता है कि अचानक कोई पेट में खराबी हो गई, कोई गड़बड़ी हो गई, तो कैसे रक्षा करना, उनको अपनी बुद्धि दी है। वो खाने पीना बंद देते हैं, बंदर कितना खिलाओ अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो नहीं खाएगा, वो उपवास कर देते हैं। ये बुद्धि किसने दी, परमात्मा ने। अधिकांश प्राणी लंघन करते हैं, कुत्ते भी ऐसे नहीं, और घास खाते हैं क्योंकि अस्वस्थ होने पर घास खाते हैं, घास उनका औषध है उस स्थिति के लिए, बिल्ली भी घास खाती है, औषध है इसके लिए, तो औषध के रूप में कभी कभी घास भी खाते हैं वो, कुत्ता है बिल्ली है। तो सभी प्राणियों के लिए परमात्मा ने अलग अलग रक्षण शक्ति दी है। देखो अजगर है, कैसा प्राणी है,
कि जिंदा मनुष्य को खा जाता है, हिरण हो किसी को भी जिंदा खा जाता है, इतना बड़ा शरीर, लेकिन कैसे उसको ये करके हाथ पे चिगुड़ देगा, ऐसे गोल गोलाकार कर निकल जाता है, और फिर उसके अंदर से उस पाचक रस निकलती है, तो हजम होगा खाना, कौवा कच्चा मां खा जाता है तो कैसे हजम करता है, वो पाचक रस उसके अंदर निकलती है, तो उनके पास रस है, मनुष्य क्यों खाता है मांस, इस बीमार पड़ता है, मनुष्य का आहार शाकाहार है, तो मांसाहारी मांस खाए वो चलेगा, वो पाप भी नहीं, और परमात्मा शरीर कैसा बनाया है, ऐसी पाचन शक्ति उसमें दी है कि समझ आता है, रक्षा हो जाती है उसकी मांस खाके, और मनुष्य खाते तो बीमार पड़ता है, फिर ज्यादा खाएगा मरेगा, रोग आएगा, हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रोल बढ़ जाएगा, और समस्या मांसाहार करने पर, तो परमात्मा सबको उसके अनुकूल भोजन प्रदान किया है, आहार सबके लिए आहार बना के रक्षा कर रहा है, औषधि बना के रक्षा कर रहा है, अनेक प्रकार से रक्षा करता है परमात्मा, और फिर भी लोग समझ नहीं पाते हैं। और कैसे कैसे रक्षण शक्ति मानते हैं, देखो एक उदाहरण दे रहा हूं, कैसी कल्पना लोग करते हैं, और जो सत्य नहीं है उस प्रकार से रक्षा करना मानते, जो कि झूठी रक्षा करना है, ईश्वर उसका रक्षा नहीं करता, फिर भी लोग मानते हैं, कैसे मानते हैं, देखो एक शिकारी गया जंगल में शिकार करने के लिए, अब जंगल में गया शिकार करने के लिए, तो वो तो पशु और पक्षी किसको भी छोड़ते नहीं हुए, तो संयोग से एक कबूतर को देखा, पेड़ में कबूतर है, चलो कबूतर माने गया, ठीक है, अब कबूतर ने भी देख लिया शिकारी को, भाई ये तो बंदूक दिखाया है छोड़ेगा नहीं, अब वो प्रार्थना करता है ईश्वर से कि हे परमात्मा रक्षा करिए, हे परमात्मा रक्षा करिए, हे परमात्मा रक्षा करिए, ठीक है, और छुपने का प्रयास करता कि पेड़ के ये में ओट में कि इसका बंदूक जमीन बनाए पेड़ में आ जाए, तो धाने के लिए इसे तो शाखाएं बीच में घुस जाता है, ठीक है जी। अब इतना में क्या होता है, देखता है ऊपर में बाघ मंडरा रहा है, अब शिकारी से बचे तो ऊपर बाघ नहीं छोड़े, ठीक है जी, और फिर बचने का प्रयास करता है, इतने में क्या करता है शिकारी, वो भी होशियार है, ऐसा जगह पहुंच जाता है कि ठीक उसको निशान लगे, ठीक है ना जी, तो ऐसे जगह वो चयन कर लेता है कि छिप नहीं सके, अभिधान गोली मारना शुरू करता है, अब फिर प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर अब तो कोई चांस नहीं बचने का, नीचे शिकारी है ऊपर बाघ है, अब आप ही रक्षा करो, आप ही रक्षा करो, तो इतने में ईश्वर रक्षा कैसे करता है, लोग ऐसे बोलते हैं कि एक सांप उसको डंस देता है शिकारी को, इसे वो साधना था, और टाइगर बोलते दबाना, टिगर टिगर दबाते हैं ना, तो जैसे वो दबाया तो डंक मारा था सांप ने, और निशान चुप गया, और जाकर जो बाघ को लग गया, तो इधर बाघ खत्म और शिकारी भी खत्म सांप के डंक देने से, और कबूतर सुरक्षित, तो इस प्रकार परमात्मा ने बचाया बोलते हैं, इस प्रकार परमात्मा रक्षा करता है बोलते हैं, तो भाई कबूतर की रक्षा तो हो गई, लेकिन वो बाघ तो मर गया, इसको बचाने के लिए उसको क्यों मार दिया, शिकारी को क्यों मार दिया परमात्मा ने, अगर परमात्मा ने मारा दो प्राणी को तो एक को बचाने के लिए दो प्राणी को मार दिया, ठीक है ना, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, परमात्मा इस प्रकार रक्षा नहीं करता, वो रक्षा करेगा पंख दिया उड़ने के लिए, पंख उड़ो भागो, ठीक है, और उपयुक्ति दी परमात्मा ने, युक्ति देकर बुद्धि देकर शक्ति देकर बल देकर ज्ञान देकर धैर्य देकर सहन शक्ति देकर अनेक प्रकार से इस प्रकार रक्षा करता है, ठीक है ना, और छोटा मोटा कोई चोट लग जाए तो व्यक्ति मरता भी नहीं है, हो जाता बेहोश,
बाद चिकित्सा करके वो उसकी रक्षा हो जाती है। शरीर में कई प्रकार के तंत्र बना रखा है, पाचन तंत्र, हम खाना पीना करते हैं, मल मूत्र का निष्कासन। अगर मल मूत्र नहीं बने तो कोई बचेगा? जो खाना पीना खाते रहो और मल मूत्र नहीं बने तो कितना खा पाएंगे? मर जाएंगे, है कि नहीं है? तो देखो, श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र, शरीर में अशुद्ध रक्त अलग बहता है, शुद्ध रक्त अलग बहता है, जो धमनी है शुद्ध रक्त पहुंचाती है सभी जगह, और सेना क्या करती है अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाती है। ये व्यवस्था परमात्मा की। तो कई प्रकार के तंत्र हैं, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र है ना, और भी कई तंत्र हैं शरीर में, इनके माध्यम से रक्षा करता है। तो इस प्रकार से परमात्मा रक्षा करता है। सीधा पुकारो और किसी को भेज दे, जा बेटा रक्षा कर मेरे भक्त की, ऐसे किसी को भेजता है। आज आतंकवाद फैल रहा है, दुष्ट बढ़ रहे हैं, तो इनसे बचने के लिए परमात्मा शक्ति देगा, जान देगा, भाई संगठित हो जाओ, एक संगठन में आओ, अपना बल बढ़ाओ, हथियार रखो, अस्त्र रखो, सुरक्षा करो, ऐसा ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, वेद का ज्ञान देता है परमात्मा रक्षा करने के लिए। वेद पढ़ो, उसमें उपाय दिया है, और आपको वेद में कहा है शत्रु को मारो। शत्रु कौन? जो हिंसक हैं, पापी हैं, वेद विरोधी हैं, गो हत्यारे हैं, ऐसे को मारो, बलवान बनो, ये कहता है परमात्मा को। तो अपनी शक्ति बढ़ाओ, संगठन बढ़ाओ, आपस में जो लड़ाई लड़ रहे हो, फूट में फंसे पड़े हो, आपस की फूट को नष्ट करो, ये सिखाता है परमात्मा, और इस प्रकार से रक्षा करता है। ठीक है नहीं? और ज्यादा कोई प्रकृति के नियम को तोड़ेगा तो प्रकृति उसको नष्ट करेगी, ऐसी व्यवस्था परमात्मा ने कर दिया। पर्यावरण को दूषित करेंगे तो पर्यावरण आपका नाश करेगा, है कि नहीं? वायु को, जल को आप अशुद्ध करेंगे तो ये सब खुद आपको रोग पैदा करेंगे आपके लिए। ये ज्यादा मांसाहार करेंगे तो रोग बढ़ेगा, प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। ये पक्षियां हैं, इनको नष्ट करोगे तो इनके द्वारा प्रकृति का साइकिल चलता है, चक्र चलता है। जो बीट करती है इनसे कई प्रकार के बीज से फिर वृक्ष होते हैं। कई कीड़ियां ऐसी होती हैं जो फसल के हानिकारक कीड़ों को खा जाती हैं, वो मित्र हैं, किसान मित्र होते हैं कई कीड़ियां। तो कोई चिड़िया कोई मार खा जाए तो फिर फसल भी खत्म। एक बार चीन में ऐसा हुआ था, चिड़िया खा कर मार करके तो फसल का चौपट हो गया, फसल चौपट। तो परमात्मा इस प्रकार रक्षा करता है, पशुओं बना करके, पक्षियों बना करके, सब ये रक्षक शक्तियां हैं परमात्मा की। कई सफाई कर्मचारी और कई सुरक्षा कर्मचारी, ये सुअर कुत्ता आदि ये सफाई कर्मचारी, पानी में मछली आदि ये सफाई कर्मचारी, जल को शुद्ध करती है और रक्षा करती है हमारी। पहले जमाने में तालाब का पानी पीते थे, हमने भी पिया तालाब का पानी बचपन में, खेलकूद करेंगे और बस जाकर के तालाब से पानी पीते थे, उसमें पानी भी शुद्ध था। नीचे पूरा वो एक एक पत्थर दिखता था, इतना शुद्ध जल तालाब का जल, और मीठा पानी पीते थे खूब। तो परमात्मा ऐसे शुद्ध जल बना करके, शुद्ध वायु बना करके रक्षा करता है, तो उसकी रक्षण शक्तियां अद्भुत है, और वो कभी क्षीण नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। देखो कभी जल खत्म हुआ, मनुष्य उसका दुरुपयोग करता है क्यों खत्म होगा? ठीक है ना जी, हवन नहीं करेगा तो बारिश नहीं होती, तो हवन जल खत्म हो जाएगा। अगर परमात्मा के नियम का पालन करते रहेंगे ये शक्तियां अक्षुण रहेंगे, अक्षुण रहेंगे। तो परमात्मा के नियम का पालन करो, रक्षा करेगा वो। उसके नियम को तोड़ोगे तो प्रकृति खुद रक्षा नहीं करेगी, ठीक है? प्रकृति भी परमात्मा के नियम पर चलती है, परमात्मा के अनुसार चलती है। सूर्य तप रहा है, ये प्रकृति की एक विशेषता है।
परमात्मा की ये विशेषता है, सूर्य में चंद्र में किसमें शीतलता है किसी में अग्नि है, और चंद्र में शीतलता है वो पोषण प्रदान करता है, औषधियों को वनस्पतियों को फसलों को साग सब्जियों को पुष्टि मिलती, और दिन में वो भोजन भी बनाते हैं सूर्य से। देखो तो सूर्य चंद्र आधार है हमारे जीवन के, परमात्मा बनाता है, तो इन सबके माध्यम से परमात्मा रक्षा करता है, ये परमात्मा की रक्षण शक्तियां हैं। ऐसे विद्वान को जान देता है और जो विद्वान बने थे रक्षा करते हैं ज्ञान के माध्यम से। ये जो देखते हैं बिजली की किरणें, ये भी रक्षण शक्ति है परमात्मा की, एक बार चमकती बिजली तो कई कई क्या मात्रा अनेक मात्रा में क्या निकलता है, कई टन क्या बोलते हैं उसको, उर्वरक की प्राप्ति होती है उसके माध्यम से। जो रासायनिक खाद बनाते हैं ना फैक्ट्रियों में, साल भर में जितने फैक्ट्री में निकलती है वो खाद, वो एक बार में निकल जाए, तो सब परमात्मा की व्यवस्था है, रक्षण शक्ति सबकी। हम पढ़ते ना कि सब विरुद्ध है, सब लता दिला देवी औषधियां, ये क्या कहते हैं रक्षण शक्तियां, वर्षा के बूंदे भी रक्षण शक्ति है परमात्मा की, तो वर्षा के जल के माध्यम से औषधि के माध्यम से विद्वान गुणों के माध्यम से रक्षा करता है। वेद विद्या है आयुर्वेद का ज्ञान, तो डॉक्टर लोग पढ़ते हैं और रक्षा करते हैं आपकी, तो उसके मूल में परमात्मा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से परमात्मा रक्षा कर रहा है और अनादिकाल से रक्षा कर रहा है और अनंत काल तक रक्षा करने वाला है। इसलिए मंत्र में कहा अस्य उतया न क्षीयन्ते, इसकी रक्षाएं कभी क्षीण नहीं होती, समाप्त नहीं होती, और प्रशंसा भी कभी समाप्त नहीं होती, तो लोग प्रशंसा करते हैं और जो उसके शरण में आता है परमात्मा उसको खूब आगे बढ़ाता है, रक्षा करता है, जान देता है, बल देता है, उसकी उन्नति प्रगति कराता है। तो इसलिए परमात्मा पर विश्वास रखें, वो सर्वरक्षक है और विशेष सुखदायक है, विशेष कल्याणकारक है। तो ऐसे परमात्मा के शरण में आए और जीवन को सुखमय बनाए, श्रेष्ठ बनाए। ओम शांति, ओम शम, सबको सादर नमस्ते जी।